हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो Y28 5G फ़ोन है, तो वीवो Y28 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में ऐप लॉक वगैरह को कैसे अपने फ़ोन से सेट कर सकते हैं, और साथ में ही ड्यूल ऐप्स को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं वीवो Y28 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि ऐप लॉक को आप सेट कैसे कर सकते हैं और ऐप लॉक को कैसे अपने फ़ोन में सेट कर सकते हैं, ड्यूल ऐप्स क्रिएट कैसे कर पाएंगे, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही आइकन्स ओपन हो जाएंगे, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाकर ड्यूल ऐप्स क्रिएट करना है, तो आप कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास ऐप क्लोनिंग सेटिंग्स है, तो इस पे जाकर आप अपने फ़ोन का ऐप क्लोन बना सकते हैं। फेसबुक है तो फेसबुक का क्लोन आप बना सकते हैं, और फेसबुक क्लोन को क्रिएट करके अपने फ़ोन में आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से क्लोन बना के इसका यूज़ कर पाएंगे और फ़ोन में इसका यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो ऐप लॉक भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्राइवेसी ऐप इंक्रिप्शन पे जाना होगा, जहाँ से ऐप लॉक को आप सेट कर पाएंगे और फ़ोन में ऐप लॉक भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ऐप लॉक को आप सेट कर सकते हैं। पासवर्ड डाल के यहाँ से जाते हैं और किसी भी ऐप्स में इस तरीके से लॉक लगाते हैं, तो लॉक लग जाएगा और आपके फ़ोन में सेट हो जाएगा, जिसका आप यूज़ भी कर पाएंगे। और साथ में ही देख सकते हैं कि आप अपने फ़ोन में ऐप लॉक को हटा भी सकते हैं कुछ इस तरीके से ऑफ़ करके, किसी भी ऐप्स में लॉक शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से भी ऐप लॉक को आप सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन में और ऐप लॉक भी लगा सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें।